Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do CT scan shoulder joint on Toshiba 16 slice. Model is Activion 16. Okay, so let's start. सबसे पहले यहाँ पे पेशेंट का डेटा फिल कर देते हैं, एज डाल देना, सेक्स मेल है, ऑर्गन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, अदर्स में यहाँ से भी ले लोगे तो भी चलेगा। हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल रखा है यहाँ पे एल्बो, रिस्ट और एक्सट्रीमिटीज़ में। सो यहाँ से सबसे पहले शोल्डर सिलेक्ट करेंगे हम। इसमें पेशेंट का पोजीशन रहता है सुपाइन, हेड फर्स्ट। ओके, उसको लैंडमार्क कैसे करना है, लैंडमार्क आपको कर देना मैंडिबल पे, क्योंकि ये स्कैन में स्कैनो जब लेता है तब उसका बॉडी अंदर जाएगा, मतलब इन जाएगा। सो आपको लैंडमार्क करना है मैंडिबल पे। इन आउट जैसे भी करना हो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, तो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे प्रोटोकॉल सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं अभी सिस्टम पे, यहाँ से शोल्डर को सिलेक्ट करते हैं। इन आउट का कुछ भी गड़बड़ भी लगता हो आपको तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो डायरेक्शन इन है, यहाँ पे स्कैन डिटेल्स में जाना है, डायरेक्शन इन, तो जब स्कैनर लेता है तब इनसाइड जाएगा, मतलब ऐसे इन जाएगा। ओके, बहुत ही कम स्टेप में मैं आपको इजीली बता दूंगा कि स्कैन कैसे करते हैं। स्कैन तो कोई भी कर लेगा, कोई इश्यू नहीं है। मेन आपको रिकॉन और फिल्मिंग कैसे देना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सब लिंक हुआ, इसको दो बार क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये अभी यहाँ पे हम आते हैं, इसको इजीली मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे ये हमारा क्लेविकल है, ये हमारा यूमरल हेड है। ओके, सो ये क्लेविकल, ये यूमरल हेड, ये पीछे ग्लिनॉइड है। ओके, इसको थोड़ा जूम कर देना, बहुत इजी है, एकदम आराम से हो जाएगा इजीली। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शोल्डर जॉइंट स्कैन करते हैं तब आपको क्लेविकल से यहाँ से स्टार्ट ऊपर से थोड़ा लेना है। ओके, ऐसा कट टू कट मत ले लेना, कट टू कट लोगे तो फिर जब 3D बनाते हैं रिकॉर्ड में इशू होगा, स्लाइटली ऊपर से लेना होगा। ओके, जब भी शोल्डर करते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ शोल्डर जॉइंट लेना है, आपको स्कैपुला कवर करना होगा, स्कैपुला ऑलवेज शोल्डर जॉइंट में कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं थोड़ा, अभी यहाँ पे हमको स्कैपुला तो दिखता नहीं है, तो आप कैसा करोगे कि यहाँ पे D12 जो रहता है और उसके ऊपर D11 D10 तक खींच लेना, फिर बीच में से आप स्कैन को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, पहले से ही मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, फिर मुझे जैसे ही स्कैपुला यहाँ पे देखते रहना है, स्कैपुला जैसे खत्म होता है वहां पे आपको स्कैन एंड कर देना है। ओके, प्रोटोकॉल यहाँ पे थिकनेस आपको रखना है 1 mm, KV वगैरह तो फिक्स है, MA 150 इनफ, बहुत फैटी पेशेंट हो तो MA बढ़ा देना है। ओके, सिंपल, यहाँ से अभी कंफर्म करते हैं, ये प्लान हो गया है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही खींचा है, पेशेंट को सही से इंस्ट्रक्शन दे देना कि हिलना वगैरह नहीं है, स्कैन। ओके, 2 मिनट में ये तो स्कैन हो जाएगा। मेन इसका रिकॉन है और कैसे उसको आपको फिल्मिंग देना है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखते रहना है आपको कि कैसे इमेज आ रहा है, यहाँ पे ब्लिंक हुआ है, दो बार क्लिक करना है, स्कैन स्टार्ट, देखा होगा स्टार्ट हो गया। देखना है आपको कि स्कैपुला कहाँ पे एंड हो रहा है, स्कैपुला जैसे खत्म होता है वैसे ही आपको स्कैन को बंद कर देना है। देखो अभी ये स्कैपुला खत्म, स्कैन स्टॉप, मैंने परफेक्ट ही लिया था, D11 तक मैं कवर हो गया है। पेशेंट को सबसे पहले हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी रहता है ऑल्डर स्कैन में, कि उसको पेन है, फ्रैक्चर है, क्या है, सब कुछ देखना है। कभी कभी ट्यूमर रहता है तो कॉन्ट्रास्ट भी करना पड़ता है। ये पेशेंट को ओनली पेन है, नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, मे बी इसको यहाँ पे ये ह्यूमरल हेड का फ्रैक्चर है। स्कैन
स्कैन तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, 1 mm ले लेना, ऑलवेज स्कैन को 1 mm लेना, फिर बाद में उसको रिकॉन करना है। इमेज डिस्प्ले हो जा रहा है अभी। स्कैपुला एंड हो गया। ओके, अभी पेशेंट को निकालने से पहले आपको देख लेना होगा कि ये जो रॉ डेटा आया है ना पहले वाला, उसको ही मैं MPR में डाल के देख लेता हूँ तो पेशेंट हिला वगैरह तो नहीं है ना। ये अभी रिकॉर्ड नहीं किया है बट ऐसे ही फेयरली देख लेता हूँ कि सही से स्कैन आया है कि नहीं। फिर इसके बाद आपको पेशेंट को आउट करना होगा। मैंने परफेक्ट स्कैन लिया है, कुछ भी हिला नहीं है। ओके, अभी आप पेशेंट को निकाल सकते हो। अभी मैं आपको इसका रिकॉर्ड बता देता हूँ कैसे रिकॉर्ड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको HD इमेजेस में यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर यहाँ से देख लेना होगा कि कौन सा सीरीज है। इसको निकालते हैं, यहाँ पे रॉ डेटा में जाना है, ये रॉ डेटा है। ओके, रॉ डेटा पे क्लिक किया, पेशेंट का नाम लेना है, फर्स्ट सीरीज तो अपना लोकलाइजर है स्कैनो, सेकंड सीरीज में मेन इमेजेस है। फिर इसको ओपन किया, सबसे पहले आपको शार्प इमेजेस लेना होगा तो उसमें ये टी कोड पे क्लिक कर देना। ये M मस्कॉट होगा ना तो वो 2 mm से नीचे नहीं जाएगा, मतलब 5 mm ऐसा ज़्यादा रहेगा, टी कोड कर देना। फिर यहाँ से सिलेक्ट करना 1 mm, इंटरवल आपको देना होगा 0.5 कर देते हैं, 0.5 करते हैं, फिर भी 400 इमेज है चलेगा। यहाँ से सिलेक्ट करना है बोन, बोन ले लेना, यहाँ से लेना शार्प, यहाँ से ओके, डिटेल्स में जाना है, डिटेल्स में फिल्टर FC30 और फिल्टर है UEO, बूस्ट कर देना और यहाँ से रिकंस्ट्रक्शन पे क्लिक। ओके, अभी सेम मुझे 3D के लिए सॉफ्ट टिश्यू करना है। सॉफ्ट टिश्यू के लिए क्या करना होगा, सेम चीज़ उसके ऊपर ही है, सेम सिलेक्ट किया सेकंड सीरीज, ओके किया, यहाँ पर टी कोट है, 1 mm कर देना, इंटरवल 0.5 रखोगे तो चलेगा। यहाँ से अभी सिलेक्शन चेंज करना है, सिलेक्शन यहाँ से सॉफ्ट ले लेना होगा आपको। मैं उसको करता हूँ स्पाइन में, स्पाइन ले लेता हूँ, फिर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ स्मूथ, ओके। फिर ये जो हमारा डिटेल्स है, डिटेल्स में FC2 और फिल्टर में USO डाल देना, स्मूथ वाला, ये टोशिबा में USO मतलब स्मूथ फिल्टर है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आपको USO कर देना है, FC2 कर्नल USO फिल्टर बूस्ट कर देना और रिकंस्ट्रक्शन पे क्लिक। सो ये हमारा दोनों रिकॉन फिल्मिंग में जाके देख लेना होगा। ये सबसे पहला वाला है, ग्रेनी वाला है, तो फिल्म में जो देना है उसको आपको शार्प देना होगा। ओके, और स्मूथ वाला रिकॉन है वो 3D के लिए, दो रिकॉन आपको करना होगा। अभी ये ग्रेनी वाला आ गया है, उसको आप देख बता देता हूँ कैसे आएगा। सिलेक्ट किया ये सीरीज 450 इमेज MPR, ये हमारा रेडी हो गया फिल्मिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, अभी इसके लिए कैसे फिल्मिंग करते हैं उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।